जमीन, आसमान और समुद्र। भारत जैसी परमाणु ताकत हासिल करने पर पाकिस्तान की नजर, चीन की मदद से हो रहा काम। पाकिस्तान के पास वर्तमान में जमीन और आसमान से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता है, लेकिन समुद्र में अभी वह पूरी तरह से तैयार नहीं है। पाकिस्तान की टेंशन ये है कि भारत का नाम परमाणु त्रयी की क्षमता रखने वाले देशों में शामिल है और ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। परमाणु त्रयी में भारत जैसी ताकत चाहता है पाकिस्तान। चीन बनाकर दे रहा है पाकिस्तान को हंगोर क्लास पनडुब्बी। पाकिस्तान अपने परमाणु बल को बढ़ाने और नई डिलीवरी प्रणाली विकसित करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान का पूरा परमाणु कार्यक्रम भारत के साथ प्रतिद्वंद्विता को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान की नज़र अब परमाणु त्रयी पर है, जिसमें जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगह से न्यूक्लियर हथियारों को लॉन्च करने की क्षमता हासिल करना है। भारतीय नौसेना के पूर्व खुफिया प्रमुख रियर एडमिरल सुदर्शन श्रीखंडे ने पाकिस्तान की इस खतरनाक ख्वाहिश को लेकर चिंता जताई है। श्रीखंडे ने पाकिस्तान की नई हंगोर क्लास पनडुब्बी की तरफ ध्यान दिलाया है, जिसे वह अपने दोस्त चीन से हासिल कर रहा है। परमाणु हथियार लॉन्च करने वाली पनडुब्बी हंगोर क्लास सबमरीन चीनी टाइप 039 युआन क्लास का एक निर्यात किया जाने वाला संस्करण है। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, जिसका नाम अब रिटायर हो चुकी पीएनएस हंगोर के नाम पर रखा गया है। पीएनएस हंगोर ने 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस कुखरी को डुबो दिया था। दावा किया गया है कि यह पनडुब्बी 450 किलोमीटर की दूरी तक मार करने और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बाबर 3 मिसाइल को लॉन्च करने की क्षमता से लैस होगी। भारत जैसी ताकत की चाह। श्रीखंडे ने इसे पाकिस्तान की परमाणु त्रयी को हासिल करने की इच्छा का उदाहरण बताया है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि भारत पहले से ही थल, जल और आकाश से परमाणु हथियार की लॉन्च करने की पूर्ण क्षमता रखता है। श्रीखंडे का मानना है कि भारत की इसी क्षमता को देखते हुए अब पाकिस्तान भी इसे हासिल करने के लिए बेकरार है। वर्तमान में केवल 4 देशों के पास ही परमाणु त्रयी है, जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं। पाकिस्तान के पास आंशिक परमाणु त्रिकोण है। रूस से भारत आने वाला है युगपोत पाकिस्तान और चीन की बढ़ेगी टेंशन। पाकिस्तान के पास नहीं है क्षमता। पाकिस्तान जमीन, हवा और समुद्री प्लेटफॉर्म से परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है, लेकिन पनडुब्बी से वह केवल क्रूज मिसाइलें ही तैनात कर सकता है। पूर्ण परमाणु त्रिभुज के लिए पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने की क्षमता आवश्यक है। पाकिस्तान के पास समुद्र से लॉन्च की जाने वाली परमाणु हथियार सक्षम मिसाइल बाबर 3 है। हालांकि ये पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है, न कि बैलिस्टिक मिसाइल। पाकिस्तान के लिए चीन में निर्मित हंगोर क्लास की पनडुब्बी को 26 अप्रैल को वुहान के शिपयार्ड में लॉन्च किया गया था। यह इस श्रेणी की 8 पनडुब्बियों में से पहली थी, जिसे पाकिस्तानी नौसेना 2028 तक अपने बेड़े में शामिल करने वाली है।